तो बेन स्टोक्स के बिना किस तरह की होने वाली है चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 आईपीएल 2023 में, बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम, क्यों यहां पर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, और आपके हिसाब से दोस्तों क्या यहां पर चेन्नई सुपर किंग की टीम जीतने वाली आईपीएल 2023 का टाइटल, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। दोस्तों बात करें अगर चेन्नई सुपर किंग की, तो लास्ट सीजन इस टीम का उतना अच्छा जो है वो नहीं गया था, लेकिन इस साल ये टीम हमें बहुत ही ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी को ये टीम लेकर आई है जो कि इनकी सारी कमियों को जो है वो पूरा करते हुए इस साल हमें नजर आएंगे। लेकिन बेन स्टोक्स को लेकर इस समय जो बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है वो ये कि नी इंजरी दोस्तों इस समय बेन स्टोक्स को काफी ज्यादा जो है वो सता रही है। रिसेंटली इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जो टेस्ट मुकाबला खेला गया, जहां पर 1 रनों से न्यूजीलैंड की टीम ने मुकाबला जीता, आपको बता दें कि बेन स्टोक्स वहां पर सिर्फ 2 ओवर कराते हुए इस मैच में जो है हमें नजर आए। वहीं बैटिंग की अगर बात करें तो जब सेकेंड इनिंग में वो बैटिंग करने आए तब भी काफी ज्यादा स्ट्रगल में नजर आ रहे थे। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या वो आईपीएल में पार्टिसिपेट करेंगे, तो दोस्तों उन्होंने ये चीज क्लियर किया कि वो आईपीएल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग की टीम के लिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो कोच फ्लेमिंग से बातचीत कर चुके हैं उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर, यानी कि उन्होंने हिंट दिए कि सभी मुकाबले शायद वो हमें खेलते हुए नजर ना आए, यहां पर कुछ मुकाबले मिस कर सकते हैं आईपीएल 2023 में यहां पर बेन स्टोक्स। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग की टीम को बेन स्टोक्स के बिना जो है वो उतरना होगा इन मुकाबलों में, और क्या होगी चेन्नई सुपर किंग की स्ट्रेटजी, किस तरह की प्लेइंग 11 चेन्नई सुपर किंग की होगी जब बेन स्टोक्स अनअवेलेबल होंगे। रिप्लेसमेंट की अगर बात करें तो इनकी जगह पर दोस्तों ड्वेन प्रिटोरियस हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं प्लेइंग 11 में, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होंगे, बहुत ही अच्छे ये ऑलराउंडर है और साउथ अफ्रीका T20 लीग में कमाल की फॉर्म में हमें जो है वो नजर आए हैं। वरना दोस्तों ये टीम मथीसा पथिराना को जो है वो मौका दे सकती है, जो कि श्रीलंका से आते हैं, कमाल के फास्ट बॉलर हैं, और ये भी दोस्तों एक प्लेयर बन सकते हैं जिनको प्लेइंग 11 में जो है वो मिले मौका। हालांकि दोस्तों बेन स्टोक्स के जैसा परफॉर्मेंस शायद ही ये प्लेयर जो है वो कर पाए, लेकिन एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं जब बेन स्टोक्स को आराम दिया जाएगा तो ये प्लेयर हमें प्लेइंग 11 में नजर जो है वो आ सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरह की प्लेइंग 11 होगी चेन्नई सुपर किंग की, तो यहां पर डेवोन कॉनवे हमें ओपन करते हुए नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, नंबर 3 पर मोइन अली होंगे, तो 4th नंबर पर अंबाती रायडू, 5वें नंबर पर एमएस धोनी होंगे, 6th नंबर पर शिवम दुबे, तो 7वें नंबर पर होंगे रविंदर जडेजा। इसके बाद दोस्तों दीपक चहर हमें नंबर 8 पर जो है वो नजर आएंगे, 9वें नंबर पर ड्वेन प्रिटोरियस या फिर मथीसा पथिराना, इनमें से कोई एक खेलता हुआ जो है वो नजर आएगा बेन स्टोक्स की जगह। इसके बाद हमें महेश दीक्षाना जो है वो नजर आएंगे प्लेइंग 11 में, और 11वें नंबर पर मुकेश चौधरी प्लेइंग 11 का हिस्सा जो है वो होने वाले हैं। कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 बेन स्टोक्स के बिना हमें चेन्नई सुपर किंग की जो है वो नजर आएगी, जहां पर बेन स्टोक्स के बारे में हमने बातचीत करी किस तरह से वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण कुछ मुकाबले वो जो है मिस कर सकते हैं। आपको कैसी लग रही है दोस्तों ये प्लेइंग 11, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और आपको बता दें कि आईपीएल 2023 से पहले हम आपके लिए फ्री जर्सी का गिव अवे लेकर आने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक मिलने वाला है पिन कमेंट में। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।